प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस साल के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने इस संग्राम के लिए अपनी कमर कस ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद करने के लिए खुद भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने रानीपति कमला रेलवे स्टेशन पर एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के सत्र के बाद पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना कि इसमें बूथ स्तर की सबसे बड़ी ताकत होती है। हम उनमें से नहीं हैं जो एसी वाले कमरों में बैठकर पार्टी चलाते और फतावे निकालते। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बीच खुद को खपाते हैं। भाजपा की बूथ कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए, सेवा भाव से होनी चाहिए। बूथ के अंदर संघर्ष की जरूरत नहीं होती, सेवा ही एकमात्र माध्यम होता है। बूथ अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है और हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां ज़मीनी फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं वो इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने बूथ में वर्ष भर बहुत व्यस्त रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तब भी आपके प्रयासों के बारे में मुझे लगातार जानकारी। इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। साथियों, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है।
और मैं नड्डा जी का केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, राज्यों के भाजपा के नेतृत्व का, मध्य प्रदेश भाजपा नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम की रचना के लिए, क्योंकि आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही हैं।